बीजेपी से इस्तीफा देने वाली दलित सांसद सावित्रीबाई फुले ने न्यूज 24 से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि पार्टी में उनका अपमान हो रहा था, उन्होंने अमित शाह को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बहराइच से बीजेपी की सांसद सावित्रीबाई फुले ने फिलहाल बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ सावित्रीबाई फुले मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, आपने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, क्या बताऊँ कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अनुयायी हूँ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान आरक्षण के तहत बहराइच लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र से सांसद हूँ। और जब से मैं सांसद का चुनाव लोकसभा में जीत करके गई, तब से लगातार कभी कहा जा रहा है भारतीय संविधान को हम बदलने के लिए आए हैं, मोहन भागवत बोलते हैं कि संविधान आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे, और कभी कहा जा रहा है कि संविधान आरक्षण को ऐसा समाप्त करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। यही नहीं, 9 अगस्त को जंतर मंतर पर भारतीय संविधान की प्रतिया जलाई गई, संविधान मुर्दाबाद का नारा बोला गया, लेकिन क्या कारण है कि संविधान का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? ये कहीं न कहीं संविधान आरक्षण को बदलने की साजिश लगातार हो रही है। इसलिए मैं लगातार लोकसभा में बोल रही हूँ और दलित होने के नाते हमारी बात को नहीं सुना गया, इसलिए मैं सड़क पर आंदोलन कर रही हूँ। और आज बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब का सम्मान बीजेपी सरकार नहीं करती है, इसलिए बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन आज मैं बीजेपी से मैंने त्याग पत्र दे दिया है। और अब मैं कहना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री से कि अब देश में वही राज करेगा जो बहुजन की बात करेगा, और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। भारत के संविधान को लागू करो, वरना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी खाली कर।